नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। यूट्यूब के हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बाएं हाथ में बीच की उंगली, इसके ऊपर पाई जाने वाली रेखाओं का वर्णन करूंगा। यह पहला पर्व, दूसरा पर्व और तीसरा पर्व। अब मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, इसको देखिए आप। इस चित्र में मैंने सारी रेखाओं को स्पष्ट किया है और इसके बाद आप ये देखिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर इन सारी रेखाओं को अंकित किया है। अब मैं आपके सामने एक एक करके सभी रेखाओं का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं पहली रेखा, ये देखिए ये पहली रेखा है। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व, ये द्वितीय पर्व में बीचों बीच उपस्थित है और यहां से ये पहले पर्व में जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरी रेखा है तीसरे पर्व में अंगुली और हथेली की संधि के ऊपर उपस्थित है ये रेखा, और इस रेखा के परिणाम स्वरूप स्त्रियों को मनचाही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनको खुशी प्राप्त होती है और यहां से इन स्त्रियों का संन्यास और परमानंद का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं तीसरी रेखा, ये तीसरी रेखा है। पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, ये वक्रीय रेखा है और अंगुली के मूल से बाएं हाथ को टेढ़ी होकर जा रही है, वक्र होकर जा रही है, वर्गाकार मार्ग पर जाती है, वृत्ताकार मार्ग में जाती है। चौथी जो रेखा है ये रेखा तीसरे पर्व में अंगुली के ऊपर बाएं हाथ को मौजूद है ये रेखा, और इसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों के अंदर शारीरिक काम वासना की इच्छा जो होती है वो प्रकट होती है। पांचवी रेखा है ये देखिए, दूसरे पर्व के अंदर ये रेखा उंगली के बाएं हाथ से दाएं हाथ को जाती है, बीच के पर्व में मौजूद है और इसके परिणाम स्वरूप पुरुष और स्त्री जातक दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। यदि ये निम्न और मध्य पर्व की संधि के नजदीक हुई तो जातक को पवित्रता की प्राप्ति भी हो सकती है। छठी रेखा है बीच के पर्व पे, बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है और पहले पर्व को ये छू रही है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के नाते रिश्तेदार उसकी तरक्की में बाधा बन जाते हैं, उसकी तरक्की का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। सातवीं रेखा है ये पहले पर्व पे बिल्कुल कोने पर मौजूद है बाएं हाथ को,
और इसके परिणाम स्वरूप जातक को विलक्षण ग्रंथ ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनपैरलोड। आठवीं रेखा है ये, पहले पर्व पर संधि से खड़ी होकर ऊपर तक जाती है, छूती नहीं है उंगली को, और ये जातक को बहुत ज्यादा लोकप्रिय जनप्रिय बनाती है। अब देखिए आप नौवीं रेखा, ये पहले पर्व पे उंगली के सिरे को छू रही है और बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित है, इसके परिणाम स्वरूप जातक का जो चित्त है, मन है, वो व्याकुल रहता, अस्थिर रहता है, और इसकी वजह से वो बार बार अपना स्थान बदल सकता है। दसवीं रेखा है दूसरा और तीसरा पर, इन दोनों की संधि के बिल्कुल बीचों बीच मोटी रेखा खड़ी हुई है ये, और इसके परिणाम स्वरूप जातक को असाधारण ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति महान बनता है। अगर ये स्त्री के हाथ में हो तो उसकी कामेक्षा की पूर्ति होगी और वो अपने कार्यकलाप और समर्पण की वजह से महान बनेगी। ये जो मैंने आप सबने वर्णन किया है, ये बहुत लंबे समय से की गई रिसर्च का परिणाम है, और इसको मैंने अपने ब्लॉग bharatiyashiksha.blogspot.com पर बहुत विस्तार से लिखा है। और दूसरा ब्लॉग है santoshhastrekhashastra.wordpress.com। अगर आप इसको समझेंगे, ये आपके जीवन में बहुत सहायक होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कई बार हाथ में अनिष्टकारी रेखाएं होती हैं, मगर हमारे दृढ़ निश्चय की वजह से और सन्मार्ग पर चलने पर, प्रभु की भक्ति करने से, उन रेखाओं का जो गलत प्रभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नमस्कार, बहुत जल्दी मिलेंगे।